नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आचार्य। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने को अब पूरी तरह तैयार है कांग्रेस। जयपुर में इसके लिए मंच तैयार हो रहा है और तमाम तैयारियों को अब आखिरी रूप दिया जा रहा है। जयपुर में आज कांग्रेस के दिग्गजों ने बैठक की, जिसमें प्रभारी अजय माकन समेत राजस्थान कांग्रेस के भी तमाम दिग्गजों ने खुलकर ऐलान कर दिया कि ये रैली अपने आप में ऐतिहासिक है और इस रैली के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ आखिरी कील भी ठोक दी जाएगी। लेकिन इससे पहले एक नया ही माजरा सामने आ गया। दरअसल पिछले कुछ वक्त से चर्चाएं चल रही थी कि एक तरफ जब कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस की ये रैली क्यों? क्योंकि इस रैली में लाखों की तादाद में लोगों के आने की संभावना है और इसके लिए बाकायदा नेताओं को टारगेट भी दिए गए। दरअसल अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच जयपुर की पूर्व मेयर और जयपुर से कांग्रेस के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल ने एक खत जारी कर दिया। इस चिट्ठी में जिसे सोनिया गांधी को संबोधित किया गया, लिखा गया है कि एक तरफ जहां लोगों में कोरोना और उसके नए वेरिएंट की वजह से दहशत का माहौल है, तो इसके लिए किसी आगे की तारीख को मुकर्रर किया जाना चाहिए और फिलहाल इस रैली को स्थगित किया जाना चाहिए। चलिए पहले आपको बताते हैं कि पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने सोनिया गांधी को लिखी अपनी चिट्ठी में क्या कहा, फिर बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ। दरअसल ज्योति खंडेलवाल ने जो चिट्ठी लिखी है, सीधे तौर पर इन्होंने सोनिया गांधी जी को संबोधित किया और यहां पर इन्होंने विषय में लिखा है कि जयपुर में 12 दिसंबर को होने वाली रैली को स्थगित करने पर विचार करने के संबंध में। यहां पर जो चिट्ठी लिखी गई और उसकी जो इबारत है वो आपको बताते हैं। आपके निर्देशानुसार जयपुर में नरेंद्र मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई में लगातार वृद्धि को देखते हुए भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ एक विशाल रैली 12 दिसंबर को जयपुर में प्रस्तावित है। महोदय, पूरे देश में महंगाई को लेकर आम जन में आक्रोश है और आम जन की भावनाओं को देखते हुए ही आपने इस रैली को आयोजित करने का फैसला लिया है और यह जरूरी है। महोदय, इस वक्त निम्न कारणों को देखते हुए हमें इस रैली को स्थगित कर कुछ समय पश्चात करने पर विचार करना चाहिए। पॉइंट दिए गए हैं यहां पर। पहला पॉइंट, महोदय, इस समय लगातार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के राजस्थान में, खासतौर पर जयपुर में काफी केस आए हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी द्वारा भी लगातार इस बाबत चिंता जाहिर की गई है और ये इस हेतु लगातार चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं ताकि पूर्व की भांति राजस्थान में कोरोना का समय रहते काबू किया जा सके, ताकि आमजन को इस महामारी से बचाया जा सके। लेकिन यदि हम इस रैली को करेंगे तो नया वेरिएंट, जो कि पहले से ज्यादा घातक बताया जा रहा है, फैल सकता है। हमें आमजन के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए इस रैली को अभी हाल स्थगित करना चाहिए तथा अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें महंगाई के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए, जिससे आमजन मोदी सरकार की नाकामियों से वाकिफ हो सके और झूठे वादे और जुमलों के खिलाफ आमजन में आक्रोश पैदा हो। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज देश के लिए काला दिवस है कि हमने हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल श्री बिपिन रावत व उनकी पत्नी समेत करीब 13 सेना के अधिकारियों को खोया है। इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हमें कम से कम 7 दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को स्थगित कर देना चाहिए, करना चाहिए। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने चाहिए। ज्योति खंडेलवाल, पूर्व मेयर जयपुर, और इसकी एक कॉपी सीएम अशोक गहलोत को भी भेजी गई। तो ये थी ज्योति खंडेलवाल की उस चिट्ठी की इबारत। अब आपको बताते हैं कि दरअसल जब ये चिट्ठी
लोगों और कांग्रेस नेताओं के पास पहुंच गई तो हंगामा भरा। आज जब इस रैली को लेकर पीसीसी में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अपनी बात कर रहे थे तो अचानक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता मित्रोदय गांधी खड़े हुए और ज्योति खंडेलवाल की चिट्ठी पर ऐतराज जताया। जरा वो माहौल भी देख लीजिए और सुन भी लीजिए, फिर करेंगे आगे की बात। तो देखा आपने ज्योति खंडेलवाल की चिट्ठी पर किस तरह बवाल मचा। दरअसल लोगों में चर्चाएं हैं कि ये सब कुछ प्रदेश के एक मंत्री के इशारे पर किया गया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन डोटासरा साहब ने दोनों को डांट भी लगा दी। दोनों को ही उनके आचरण की वजह से उन्हें गलत भी करार दे दिया। लेकिन इस सब के बाद आज सियासी हलकों में चर्चाएं ये भी उठ चली कि आखिर क्यों एक कांग्रेस नेता ही अपनी पार्टी की रैली को रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यहां वजह तो ज्योति खंडेलवाल ने अपनी चिट्ठी में जाहिर कर दी और वो हमने आपको बता भी दी, लेकिन सियासी हलकों में इसके अलग ही मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखिए, भाजपा ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज दोपहर बाद एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 12 दिसंबर की रैली की तैयारी जोरों पर है। जो भी कार्यकर्ता अपनी बात पर जोर देता है कांग्रेस में उसे बैठा देने का चलन है। बात वही मानी जाती है जिस पर कांग्रेस के मालिकों की मोहर होती है। कांग्रेस का लोकतंत्र जिस डिब्बे में ताला बंद रखा है उसकी चाबी कब की खो चुकी। तो ये था शेखावत साहब का ट्वीट। जाहिर है जब ऐसे मसले होते हैं तो फिर सियासी हलकों में भी उसे आसान नहीं माना जाता। खैर, अब पूरी कहानी तो हो गई, लेकिन सवाल यहाँ ये भी कि इस पूरे एपिसोड में विलेन साबित हुई ज्योति खंडेलवाल का क्या रोक रहा। अब जब इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया और जाहिर है कि आला नेताओं ने भी ज्योति जी की क्लास ली, तो फिर ज्योति खंडेलवाल के भी सुर बदल गए। अब उन्होंने आज दोपहर में क्या कहा, जरा वो भी सुन लिया जाए। और निश्चित रूप से रैली जो है सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और सफल होगी। नहीं तो लेटर तरह का लेटर आपने लिखा था? मैंने जो मेरी भावना थी वो माननीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाई थी और एक रैली को स्थगित करने की मैंने बात कही थी, लेकिन रैली की जा रही है पूरे कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन को फॉलो करके की जाएगी और निश्चित रूप से एक सफल रैली और महंगाई जो आज जनता का मुद्दा है उस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को जगाने का काम जो है ये रैली। तो ये थी आज की सियासी कहानी, कैसे एक चिट्ठी ने कांग्रेस में हलचल मचा दी। एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की कवायद में जुटे हैं, जहां सोनिया गांधी समेत राहुल और प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगे, वहीं पूर्व मेयर साहब और पायलट साहब के खेमे की मानी जा रही मेयर साहब ने की एक चिट्ठी ने हड़कंप मचा दिया। खैर, मामला सियासी है, चिट्ठी के पीछे की असल कहानी क्या है सवाल ये भी बड़ा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।